सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो मैं फ्रैंकलिन जैसे ही माइकल के घर पे पहुंचा हूँ ना, मुझे भाई चिल्लम चिल्ली की कुछ आवाज़ें आ रही थी। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा भाई, खिड़की से कूदा एक आधा नंगा आदमी जिसने सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवेयर पहना हुआ था। और भाई घर के अंदर से अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर जाकर देखा तो भाई माइकल बड़े गुस्से में आया है, उसकी वाइफ सिर्फ टावल में थी। और भाई उस टाइम पे माइकल का जो गुस्सा था वो बहुत ही हाई लेवल का था, लेकिन उसकी जो वजह थी वो भी बहुत रियल थी, जिसकी वजह से उसको गुस्सा होना चाहिए था। एक्चुअली जो टेनिस कोच था ना माइकल की वाइफ का, उसको और उसकी वाइफ को उसने साथ में पकड़ लिया उनके ही बेडरूम में। तो भाई उसको लगा है बहुत ही बड़ा झटका, और वो झटका ये उस टेनिस कोच को भी देने वाला है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप देख पाओ कि इस टेनिस कोच को कौन सा झटका इस माइकल ने दिया है। भाई मैं इसका साथ पूरा पूरा देने वाला हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइप की सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा भन्नाया हुआ होता है। ये टेनिस कोच कुछ ज़्यादा ही कोचिंग दे रहा था, तो उसकी कोचिंग भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी जाकर। और भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई सेम घर में, यार सेम घर सेम बैट, ऐसे कैसे भाई? तू टेनिस सिखाने आया ना, टेनिस सिखा के जा भाई, उतना ही होता है बस। लेकिन भाई इसने जो कुकर्म किया उसकी सजा तो इसको मिलेगी, बस फिलहाल वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन माइकल को उसके घर का पता है क्योंकि उसको जब बुक किया गया था ट्रेनिंग देने के लिए, तब उसके घर का पता मिल गया था। वो इसी किसी एरिया में रहता था भाई, जैसे यहाँ पे पहुँचे वो छत पर दिख गया, तो हमें लगा यही है उसका घर। और भाई हमें उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऊपर से सॉरी सॉरी बोल रहा है कि माइकल ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, भाई वो बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे एंड ऑल। तो ये बोलता भाई तेरा रिलैक्स तो मैं करूँगा जब तेरे छोटे चेतन को काट दिया जाएगा और तो पूरी तरह से लाइफ में रिलैक्स हो जाएगा। तो भाई माइकल फ्रैंकलिन को बोलता है कि इसके घर के जो बम्बू है, इसके तंबू के नीचे जो बम्बू लगा हुआ है, बम्बू के अंदर ये रस्सी बांध और गाड़ी से अटैच कर इसको। तब तक इनकी बातें चल रही थी, फ्रैंकलिन ने पूरी रस्सी उस बम्बू में बांध दी है। और भाई वो ऊपर से अभी भी उसी लेपर्ड प्रिंट के कच्चे में खड़ा हुआ है, और भाई माइकल बिल्कुल उसको माफ़ करने के मूड में नहीं है। माइकल बैठ गया गाड़ी में और ये जो रस्सी है ये उसके तंबू के बम्बू से अटैच्ड है। और भाई अभी वो मेरे को कह रहा है कि भाई तू फुल स्पीड लगा और गिरा इस घर को, जितना हो सकता उतना गिरा। भाई ये भी टाटा का ट्रक है, बहुत पावर है इसमें, बहुत खींच रहा आराम से। और भाई बम्बू ऐसा उखाड़ रहा है जैसे कि बस लकड़ी का बना हो, लेकिन वो मेटल के थे। और भाई तीन झटके में पूरा का पूरा घर नीचे गिर गया है। भाई माइकल के मन को अब थोड़ी सी शांति मिली है, फिर भी वो सोच रहा है कि भाई इसको जिंदा छोड़े या मार दे। फिलहाल मैं इसको बोलता हूँ भाई कि अभी फिलहाल चलते हैं, तेरी वाइफ से बात करते हैं कि क्या सीन था क्या नहीं था, कहीं पर जन तो सच में ज़्यादा ओवर सोच रहा हो, या फिर उसकी वाइफ की गलती ना हो या फिर बंदे की गलती ना हो, सो ओवर सोच रहा है। तो वो कहता तू अपना काम कर भाई, मेरी वाइफ थी तेरी वाइफ नहीं थी, इसलिए तेरे को ज़्यादा नहीं पता, अभी मैं चल रहा हूँ घर। फिर तभी उसके पास ना अननोन नंबर का एक कॉल आता है, और उस कॉल में वो बोलते हैं कि भाई तूने जो आज गलती की है ना वो बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती का खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। तो भाई कल कहता भाई मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कौन सी गलती? तो वो कहते हैं भाई जिस घर को तूने उड़ाया है ना वो उस टेनिस कोच का नहीं है, टेनिस कोच तो बस हमारे घर में भी कोचिंग देने आता है, तो बस वो चाय पीने के नाम से आ गया था, तो इसीलिए वो छत पर खड़ा हुआ था। तूने जो घर गिराया है वो बहुत बड़े गैंगस्टर का है, और भाई तभी मेरे ऊपर ना दो गाड़ियां हमला कर देती हैं गैंगस्टर्स की, ये बोलकर के भाई तूने बहुत गलत किया, ये किया वो किया। भाई इतनी देर में हम पहुंच गए माइकल के घर, और भाई तभी थी दोनों गाड़ियों ने टक्कर मार के गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया, और भाई माइकल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। भाई इसी स्टेप को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ क्लियर पता है कि घर पर नहीं जाना है, इनसे बाहर निपटना है, क्योंकि अगर घर पर गए तो माइकल तो संभाल लेगा, फ्रैंकलिन भी संभाल लेगा, लेकिन घर पे जो बच्चे और वाइफ हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक फैमिली मैन हमेशा पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। इसीलिए भाई हम लोग इसको बाहर की बात निपटाने वाले हैं, घर की तरफ जाने वाले रूट को मैंने चेंज कर दिया है, और इस बार मैंने लिया है दूसरा रूट, और इस बार मैं उनको बाहर ही निपटाने वाला हूँ। भाई पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आवाज़ आ रही है, और गोलियाँ भी चल रही है। उसी गोलियों के बीच में माइकल कहता है भाई तू गाड़ी रोक, इनको मारते हैं, भागने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो भाई मैं भी इनकी इसकी बात मान लेता हूँ, साइड में रोकने की सोचता हूँ, बट फिर सोचता है थोड़ा सा खाली एरिया आ जाए जहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई यही चीज़ें सोचते सोचते हम भी आ गए हैं साइड में, और साइड में जाकर हम इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। तो यहाँ पर रोकने का आई थिंक ये राइट पोजीशन है। माइकल भाई गुस्से में कूद गया कि इनको मैं बताता हूँ, इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते।
इनको मैं बताता हूँ उनको। भाई तभी पीछे से गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई और जो फ्रैंकलिन है उसने पूरा कवर फायर दिया है भाई, बहुत ही अच्छी सेफ्टी के साथ। पीछे एक गाड़ी ठुक गई थी जो कि अभी लोग निकल कर भागे हैं, तो गाड़ी अंदर अभी कोई नहीं है। मैंने ले ली है यहाँ पर ओट और मैंने एक गन निकाल ली है। तो यहाँ पर 4 से 5 लोग हैं जो हमारी जान के भूखे बने हुए इस टाइम पे। मैं सोच रहा हूँ उनकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, लेकिन भाई गाड़ी इतनी मजबूत है कि सिर्फ स्टील ही गोलियों से नहीं फटेगी। फिर मैं सोचता हूँ इतनी गोलियाँ अगर मैं चला ही रहा हूँ तो मैं बंदे ही मार देता ना। फिर मिंडे ने छुपे छुपे, माइकल ने छुपे छुपे बिना देखे 2 बंदे मार दिए और 3रे बंदे पर गोलियाँ चला दी। और भाई बिना बाहर निकले इसने 3 गोलियाँ मारी है। भाई इस बंदे ने 3 बंदे मार दिए बिना बाहर निकले। अभी भी यहाँ पर मैप पर हमारे पास 2 बंदे दिखा रहा है और उन 2 बंदों को मारने के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं अभी। बिकॉज भाई ये भी उसी गैंग के लोग हैं जिसने माइकल की वाइफ के साथ इतना बहुत गलत किया। तो भाई मिशन हमारा यहीं पर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो मैं थोड़ी सी शॉर्ट रखने वाला हूँ बिकॉज मैं लॉन्ग वीडियो बना बना के मैं भी थक गया हूँ। और भाई मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप सबसे रिक्वेस्ट है बताना प्लीज़ कि आप लोगों को मेरे गेम प्ले में क्या पसंद नहीं आता। मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम है, लाइक तो खैर आते ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो लाइक करते हैं। गाइज अगर ऐसा कुछ है जो आपको लग रहा है कि मैं चेंज होना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अपना गेम प्ले इम्प्रूव करूँगा। या फिर अगर आपको लगता है कि लाइक मेरा जो वीडियो सजेशन में ही जेड नहीं जाता है तो प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो, या कि सजेशन में वीडियो भेजते कैसे या फिर कैसे जाती है, क्या सेटिंग्स में अप्लाई करूँ। तो धीरे धीरे ना ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग होती जाएंगी और फिर लाइक लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगेगा यार मुझे छोड़ देना चाहिए बनाना। ये मेरा लाइक मैं रो नहीं रहा हूँ अंदर से, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ गाइड मी कैसे कर सकते हैं। भाई फिलहाल हम लोग मिशन कंप्लीट कर आ गए हैं घर पर, और घर पर माइकल अभी भी बहुत गुस्से में अपनी वाइफ से। फ्रैंकलिन को कहता थैंक यू भाई, तूने इस मोमेंट पे भी मेरी हेल्प की और पूरा कवर फायर दिया तूने। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम। तनवी भाई एक कोच यहाँ पर पहुँच जाता है पूरे कपड़े पहन कर और कहता भाई तेरे को मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन वो कहता फ्रैंकलिन और माइकल कहते हैं भाई तू चला जा, अभी हमारा मूड अच्छा है, तेरे को मारना नहीं चाहते, बाय बाय।